तो वेल हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Lenovo Legion 5 के बारे में। तो अगर आप इसको बाय करने को सोच रहे हैं या फिर आपने इसको बाय कर लिया है तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखनी चाहिए। स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर, i5 10th जनरेशन है, 8GB रैम और उसके साथ साथ उसके कुछ स्पेक्स है। तो पूरे पैसे देकर हमने लैपटॉप अपने नाम पे कर लिया है और बहुत पैसा है अपने पास। सो लेट्स अनबॉक्स। तो चलो इसका चीरफाड़ कर ली जाए। तो ये आ गया हमारा लैपटॉप बाहर। तो सबसे पहले बॉक्स में हमें एक लैपटॉप और उसका चार्जर मिलता है, जो कि मिलना ही चाहिए। तो ये इसका कुछ ऐसा फर्स्ट लुक आता है। तो फैंटम ब्लैक कलर में मतलब बहुत बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो इसके यहाँ पर Lenovo की ब्रांडिंग और ये जो बैकलिट कीबोर्ड है, जो इसका प्राइस पॉइंट पे आना चाहिए। इस प्राइस पॉइंट के आसपास की जो लैपटॉप्स है उनके अंदर RGB के वाला बैकलिट कीबोर्ड मिल जाता है, तो इसके अंदर वो नहीं है, पर ठीक है, मतलब काम चल जाएगा। तो हमारा लैपटॉप फर्स्ट बूट हो रहा है और कुछ सेटअप के लिए रेडी हो रहा है। Legion का लोगो आ गया सबसे पहले। तो यहाँ पर ऑडियो बाय हारमन का लोगो है और उसके साथ साथ हमें इसमें कुछ पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, चार्जिंग पोर्ट, HDMI पोर्ट, दो USB 3 वाले और एक USB-C टाइप सी का पोर्ट है। ये यहाँ पर उसके कुछ वेंट्स है और साथ साथ इसके पोर्ट आगे की साइड से कैसे लग रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने हिंज पर एक Legion का लोगो दिया है और एक Lenovo की ब्रांडिंग यहाँ पर। उसके साथ साथ आप साइड में देख सकते हैं कि USB 3 और एक ऑडियो जैक मिलता है, जिसको जो पावर बटन है उसके भी बहुत बीचों बीच है, ऐसा लोगो दिखता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही RGB कलर, बहुत रेनबो कलर में दिखता है। तो इसके बैक साइड में हम देखें तो दो फैन के वेंट्स है, एक Lenovo का लोगो Legion का और उसके साथ साथ बहुत बड़ा एक वेंटिलेशन के लिए सिस्टम लगाया है उन्होंने, तो ये कूलिंग में काफ़ी मदद करेगा। एक फुल साइज कीबोर्ड हमें इसमें देखने के लिए मिल जाता है विथ नम पैड। और इसमें साइड में दो वेंट्स दिए गए हैं जिससे कि एयर फ्लो काफी अच्छा हो सके। यहां पर कुछ सेटअप चल रहा है अभी, मतलब पूरा हो रहा है सेटअप। तब तक इसका चार्जर हम देख लेते हैं। इसका चार्जर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ब्रिक है, 230 वॉट का एक ह्यूज ब्रिक आता है। इस लैपटॉप का GPU और CPU बहुत पावरफुल है, तो इसको चार्ज या फिर पावर अप करने के लिए इतना तो मतलब बनता ही है इस पावर डिलीवरी के लिए। उन्होंने एक अलग सपोर्ट निकाला हुआ है जो पावर ट्रांसफर करने के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर येलो कलर में, पावर ट्रांसफर करने के लिए कैपेबल हो। इसमें इसके साथ हमें मिलता है इंटेल का i5 10th जनरेशन का प्रोसेसर, 8GB की रैम मिलती है और RTX 3050 का GPU मिलता है, TI वाला नहीं, सिर्फ 3050। और इस पे जो डिस्प्ले हमें देखने को मिलती है ये फुल HD डिस्प्ले है। अगर इसके बारे में आपको कोई क्वेश्चन है या फिर रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और नए चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।